हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं आपसे मिल रहा हूँ, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने के लिए। तो कुछ न्यूज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम जो है दिल दहला देती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। लेकिन धैर्य जो है कुछ लोग खो देते हैं तो इस दुनिया से वो चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक सरकारी नौकरी ही जो है आपका भविष्य नहीं तय करती है। आप इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे ज़िम्मेदार कौन है ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि भर्तियां जो है वो निकालती है गवर्नमेंट, तो उसको जो है इस तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो ध्यान नहीं देती है, वो चुनाव अपनी सरकार बनाने पर ही ध्यान देती है। और जैसे बेरोज़गारी है, शिक्षा है, इनकी तरफ जैसे बेरोज़गारी रोज़गार देने की तरफ जो है बिल्कुल ही ध्यान नहीं है गवर्नमेंट का, जिस ओर जो है गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि भर्तियां जो है वो बिल्कुल निकल नहीं रही हैं, निकलती हैं तो कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं परीक्षा नहीं हो पाती है। बताइए, नीट का पेपर जो है वो भी लीक हुआ। अभी मैंने कल न्यूज़ पढ़ी कि 70 साल में पहली बार नीट का पेपर लीक हुआ, तो बड़ा सोचने की बात है। जैसे आर ओ का पेपर लीक हुआ था, और बिहार की परीक्षा जो थी उसका पेपर लीक हुआ, पुलिस परीक्षा हुई उसका पेपर लीक हुआ। भैया, जब पेपर लीक होते रहेंगे तो हमारे जो युवा हैं वो ओवर एज हो जाएंगे, तो उनको नौकरी कैसे मिलेगी? तो भैया बिल्कुल परेशान ना हो, कि एक सरकारी नौकरी आपका भविष्य तय करेगी। आप लोग प्रयास करते रहें, जीवन बहुत अनमोल है। तो एक न्यूज़ आती है तो इसको पढ़ करके बहुत ही जो है मन व्याकुल हो जाता है, और वैसे भी मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो लिखा हुआ है, नौकरी ना मिलने से परेशान प्रतियोगी छात्र ने फंदे से लटक कर दी जान। अब उससे पूछे जा करके जिस परिवार का बेटा गया है कि उस पर क्या बीत रही होगी। 10 साल जो है अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, उसके बाद जो है भर्ती कोई निकलती नहीं है। निकलती है तो कहेंगे पेपर लीक हो गया या कुछ भी ऐसा होता है, कि सालों साल लग जाते हैं भर्ती को निकालने में। अब क्या बताया जाए, तो पढ़ते हैं न्यूज़ को। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, जो भी परेशान होते हैं परेशान ना होइए, धैर्य रखिए। जैसे मैंने आपको कहा है कि एक सरकारी नौकरी एक भविष्य जो है आपका तय नहीं करती। आप लोग बहुत ही जो है गुणवान हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लिखा है, सिरकुटी थाना क्षेत्र के गोविंदपुर में सोमवार को किराए के कमरे में एक प्रतियोगी छात्र का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर शव को फंदे से नीचे उतरवाया। चाचा ने बताया कि नौकरी ना मिलने से भतीजा परेशान रहता था। बिल्कुल, मेरे भाई भी जो हैं, दो भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, परेशान हैं। इधर उधर जो है कहीं बिहार जा रहे हैं, कहीं मतलब हर जगह हाथ पर मार रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, क्या करें। तो सभी परेशान हैं, सभी परेशान हैं, ठीक है। लिखा है, सोराव थाना क्षेत्र के उमरे निजामपुर निवासी किसान बहादुर यादव का बेटा अभिषेक यादव, जो कि 28 साल का दो बहनों में इकलौता था, बताइए अकेला लड़का जो है था, अब वो नहीं है। तो कैसा लगेगा? बहुत ही जो है एकदम मन व्याकुल करने वाला है, कि बताइए क्या से क्या हो गया। तो लिखा है, चाचा सुनील ने बताया कि अभिषेक एक दिन पहले शाम को घर से कमरे पर लौटा था, लेकिन अपना टैबलेट घर पर ही भूल गया था। अगले दिन वह उसका टैबलेट लेकर उसके कमरे पर पहुंचे, लेकिन कई बार खटखटाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खोला। इसके बाद उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो उसका शव जो है पंखे से लटक रहा था। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है, क्या कर सकते हैं? भैया, मैंने जैसे बहुत ही बार अपने वीडियोस में कहा है कि गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिए, कि जो हमारे बेरोज़गार युवा हैं, पढ़े लिखे युवा जो हैं, वो लाखों रुपये ख़त्म करके इस योग्य बनते हैं कि वो जो है नौकरी पा सकें। उसके बाद ये होता है कि सालों साल वो बैठे रहते हैं, तो क्या किया जा सकता है? तो आप लोग जो है सोचें समझें, उसी हिसाब से आगे काम करें। और लिखा है, अध्यापक बनना चाहता था अभिषेक। बताइए, एक लड़का जो है वो 10 साल तैयारी करके TET पास करता है, BTC पास करता है, लाखों रुपए ख़त्म करता है, उसके बाद जो है नौकरी नहीं मिलती है, तो ये ऐसा कदम उठाते हैं। तो ये बहुत ही व्याकुल करने वाला है। आप लोग धैर्य रखें, जैसे मैंने आपको कहा है, आप लोग परेशान ना हों, क्योंकि जीवन आपका अनमोल है। लेकिन टेंशन होती है तो लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। चाचा सुनील ने बताया, अभिषेक अध्यापक बनना चाहता था, वह BTC और TET पास कर चुका था, गोविंदपुर में किराए का कमरा लेकर तैयारी कर रहा था, करीब 10 साल से वह वहाँ रह रहा था।
उन्होंने बताया अध्यापक की वैकेंसी न आने पर वह काफ़ी परेशान था। वर्तमान में वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में लगा था। घर का इकलौता लड़का होने के कारण उस पर जिम्मेदारियाँ थीं। इन सब बातों से वह काफ़ी परेशान था। वहीं शिवकुटी SHO ने बताया कि कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। भैया क्या बताएं, जो है क्या कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है और गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो। और वर्तमान समय में बहुत सारी घटनाएं ऐसी आ रही हैं, प्रयागराज से, कहीं कोटा से, इस प्रकार की चीज़ें सुनने में आती हैं, तो ये बड़ा जो है दुखदाई है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।